सिख समाज के पारंपरिक खेल गतका को अब राष्ट्रीय खेल की उपाधि मिल गई है। उसके बाद गतका एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने शासन प्रशासन से इस खेल को खेलन और सीखने तथा इस खेल की तैयारी करने के लिए एक ग्राउंड की मांग की थी, जो अब पूरी होने जा रही है। रविवार का दिन सिख समाज और छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन के लिए काफी खास रहा, क्योंकि रविवार को छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन की 1.5 सालों से मांगी जा रही मांग पूरी हो गई। भिलाई के सेक्टर 2 में विधायक देवेंद्र यादव के हाथों सिखों के पारंपरिक खेल गतका, जो अब राष्ट्रीय खेलों में शामिल हो गया है, इसे बढ़ावा देने, इस खेल की तैयारी करने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला एकल गतका ग्राउंड बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस मौके पर संपूर्ण सिख समाज एवं छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों सहित गतका खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाइयाँ दी और सोमवार को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली बालक और बालिका गतका टीमों को भी बधाई दी और मंशा जताई कि दिल्ली में होने वाले इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस बार भी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ के लिए मेडल लेकर आएंगे। कार्यक्रम के दौरान विधायक देवेंद्र यादव का शॉल और पुष्प गुच्छ देकर विधि अनुसार स्वागत भी किया गया। ये तो संयुक्त प्रयास है, मैं कहूँगा भिलाई वैसे भी मिनी भारत है और भिलाई में तो हर एक स्पोर्ट्स, हर एक विषय का कोई ना कोई जगह होना चाहिए और गतका स्पोर्ट्स जो कि इतना पॉपुलर पिछले समय में हो रहा है और हमारे भिलाई में गतका से जुड़े हुए खिलाड़ी भी हैं जो नेशनल लेवल पे भी भिलाई का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। सिख पंचायत पिछले कई वर्षों से इस खेल को संरक्षण करने में और इसको बनाए रखने में अपना योगदान दे रही थी और उनके भी योगदान अतुलनीय है, मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। अभी मैदान बनने की शुरुआत होगी, आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा। वहीं एक तरफ जहां गतका एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के महासचिव जसवंत सिंह खालसा ने गतका खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए यह बनने जा रहे ग्राउंड को वरदान बताया, तो वहीं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल ने अन्य जाति धर्म के लोगों को भी इस खेल से जोड़ने की बातें कहीं। सर, आज हम लोगों को काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी इसकी कि हम लोगों ने माननीय विधायक जी से और माननीय महापौर जी से जो गतका ग्राउंड के लिए निवेदन किया था, काफ़ी लंबे समय बाद आज हमारी इच्छा, एक मांग पूरी हुई है। आज माननीय विधायक जी ने हमारे गतका ग्राउंड का जो भूमि पूजन किया है और लगभग मेरे ख्याल से कल से इसका निर्माण कार्य भी आरंभ हो जाएगा। हम सभी भिलाई वासियों की तरफ से, गतका खिलाड़ियों, गतका प्रेमियों की तरफ से और सिख यूथ फोरम की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस खेल को इसमें शामिल किया है भिलाई में। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम गतके के माध्यम से ना सिर्फ भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम हम देश में रोशन करें। और हमारे गतके के लिए अभी एक बहुत बड़ी विजय है कि हमने पिछले 1.5 साल 2 सालों में ना सिर्फ गतके में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीते हैं, बल्कि हमारे 2 खिलाड़ी अमन सिंह और पृथ्वीपाल सिंह जी, जो जिनका राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप में रेफरीशिप में भी उनका जिसमें उनका काउंसिल में नाम आया है, ये हमारे गतके के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है। और जैसे हमको भी ग्राउंड मिल गया है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे। आज छत्तीसगढ़ में जो पहला ग्राउंड गतका के लिए बना दिया गया, मैं बड़े भाई धर्मेंद्र यादव का और हमारे एमएलए देवेंद्र यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात को रखे। और इसमें अब क्या, पहले क्या गुरुद्वारे के अंदर था, अब ये बाहर आएगा तो सभी समाज को इसमें जुड़ने का मौका मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि सभी समाज जुड़ें और उसमें आगे हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। बहरहाल भिलाई शहर ने एक बार फिर एक नए खेल गतका को लेकर बाजी मारी है और भिलाई शहर में इस खेल का पहला राष्ट्रीय ग्राउंड तैयार होने जा रहा है। देखना होगा कि भिलाई में बने इस ग्राउंड में प्रदेश के किन किन हिस्सों से खिलाड़ी आकर इसकी तकनीक सीख पाते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए मेडल प्राप्त कर पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।